ऐसा धर्म यज्ञ करो जिससे, और उसका एक प्रतीक बताया सफल होने का, यज्ञ सफल होने का एक लक्षण बताया कि एक पांच मुंह का पंचमुखी शंख, पंचायन शंख, वो अलग से सुसज्जित स्टेज पर रखा जाएगा, अलग से एक स्थान पर। और जब सभी संत महंत भगत जन भोजन खा लेंगे, भोजन प्राप्त कर लेंगे उस भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, गूंजेगा, बोलेगा बगैर किसी के मुख से फूंक मारे। ये शर्त रखती, और उसमें करोड़ों रुपये खर्च होना। अर्जुन ने सोचा यदि इस स्थिति में अब मैं ये कहूँगा श्री कृष्ण जी से कि आप गीता का ज्ञान दे रहे थे जब तक न्योको थे कि भी तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, अब कह रहे हो तुम्हें पाप लग रहे हैं, ये दोगला ज्ञान कैसे दिया आपने हमारे साथ, ऐसा धोखा क्यों किया? तो अर्जुन ने सोचा भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा कि मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे उपचार में ये पैसे खर्च होने हैं लाखों करोड़ों रुपये, और जिस कारण से अर्जुन ये पैसे नहीं लगाना चाहता, वाद विवाद कर रहा है, मेरे को स्वस्थ होने में ये खुश नहीं, प्रसन्न नहीं है, ऐसी सोचेगा अर्जुन ने सोचा। और ये ऐसा व्यक्ति है, एक बार इसके मन में यह बात आ गई, इलाज नहीं कराओगा, मर जाएगा। अर्जुन ने अपनी छाती पर पत्थर रखा और दिन निश्चित करवाया यज्ञ का। श्री कृष्ण जी ने वो स्थान तथा तिथि दोनों निहित की। निश्चित तिथि को करोड़ों की संख्या में, कई करोड़ की संख्या में वहाँ भोजन पाने भंडारे में भोजन करने के लिए उपस्थित हुए 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 9 नाथ, 84 सिद्ध, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव। श्री कृष्ण जी के सारे चूल्हा नौ थे, वो तो गुरु जी थे, उनका सारा परिवार कुल बुला लिया, और भी पृथ्वी के बहुत से प्राणी वहाँ आ गए। सबके लिए भोजन भंडारा शुरू करवा दिया, सब ने भंडारा खा लिया, शंख नहीं बजा। अब श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, भाई शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, हमने पाप गणे कर रखे हैं, हमने इतने जुल्म किए हैं, अब मुझे याद आ रहे हैं, हाहाकार मची हुई थी, खून लाल हो गया था कुरुक्षेत्र के मैदान का, हमारा शंख, हमारा यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता, हमने घने जुल्म कर रखे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर शंख तो बजेगा, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया तो भी शंख नहीं बजा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा शंख तो बजेगा पर इसको बजाने वाला आया नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान, ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसी तोप बैठी, विश्वामित्र जैसे महात्मा, नौनाथ हैं, और ये दुर्वासा जैसे शुद्ध पुरुष, और 33 करोड़ देवता, आप जी ने भोजन खा लिया, अब कौन शेष है प्रभु इस पृथ्वी पर? तब श्री कृष्ण जी ने कहा अभी है शेष, एक सुदर्शन नाम का भक्त है, और वो ऐसे ऐसे वहां बनारस में रहता है, उसको क्यों नहीं आमंत्रित किया तुमने? युधिष्ठिर जी ने कहा कि उसको आमंत्रित करने के लिए उस दिशा में भीम जी की ड्यूटी थी, भीम को बुलाया गया, भीम से पूछा क्या आपने सुदर्शन जी को, एक भक्त है, उसको आमंत्रित नहीं किया? भीम जी ने कहा कि मैं उनके पास गया था और मैंने उनको अपनी सारी इंट्रोडक्शन दी कि मैं भीम हूँ, युधिष्ठिर राजा का भाई पांडु, और आप जी हमारी यज्ञ में आइएगा। सुदर्शन जी बहुत कुबोल आदमी है, उसने बहुत बुरी बात कही हमारे प्रति, कहा कि तुम तो महापापी हो। सुदर्शन जी ने कहा कि भीम तुम महाघोर अपराधी व्यक्ति हो, तुमने लाखों करोड़ों बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, और तुम ठाठ कर रहे हो, वो रो रही है अपने पतियों को, उनके बच्चे चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हमारे पिता कहाँ गए, और मुझे अगर आपके यहाँ बुलवाना है
ले चलना है। तो जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो और ये तुम्हारी सफल हो जा तो ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं तुम्हारे टूक खाऊं, कोई ग्रास खाऊं, नहीं तो मैं भी पाप का भागी नहीं बनूंगा। और तुम तो महापराधी हो। श्री कृष्ण जी को पता था कि वो भी पहलवान है, कुछ और उठपटांग बकवाद करी होगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, फिर आपने क्या कहा? भीम बोला, मन ने न्यू कहा उसने कि तू चुप हो जा बाबा जी, ना तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा। मैंने आपसे भाई युधिष्ठिर से थोड़ा सा डर था ना, उसने समार कहूंगा मैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, और मैंने ये कह दिया था कि तू आइए से मत आइए कि तेरे बिना हमारी यज्ञ संपूर्णता होगी, श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम तने और महापाप इकट्ठा कर लिया, संतों के प्रति ऐसी दुर्भावना ऐसे वचन बोलना भी पाप का भागी होता है। और आज तुझे वो के एक, क्योंकि सुदर्शन जी वाल्मीकि जाति में जन्मे थे और परमेश्वर कबीर जी भी उस समय द्वापर युग में करुणामय नाम से प्रगट थे, सहशरीर आए थे, और उनको एक वाल्मीकि दंपति, एक वाल्मीकि स्त्री पुरुष ऐसे ही कमल के फूल से उठाकर लेकर गए थे, और वहाँ वाल्मीकि द्वारा परवरिश होने से वो कबीर परमेश्वर जी भी वाल्मीक कहलाते थे। और उन्हीं से उसका एक मित्र था सुदर्शन कबीर जी का, वो शिष्य भी सही था, वो परमेश्वर जी के ज्ञान से पूर्ण परिचित हो गया था, सत भक्ति करता था। तो वो सुदर्शन था जिससे कहा जाता है कि पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी। अपने आत्मा श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर यदि तुमने अपना कुछ कल्याण करवाना है और ये पाप नाश करवाना है जो आपके ऊपर तीन ताप का कष्ट है, तो उस संत के बिना हो नहीं सकता। वो सतगुरु का उपासक है, सतगुरु का पुजारी है, सतगुरु यानी सच्चे संत से उपदेशी है वो। अब कृष्ण जी ने इतना तो पता था क्योंकि वो भी पुण्य आत्मा है और उनके अंदर भी परमात्मा सत प्रेरणा कबीर जी ही करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो उसको बना के लाओ, आत्मा जोड़ो। पांचों पांडव श्री कृष्ण जी रथ लेकर चले, जब काफी दूर रह गए ना, रथ रोक दिया वहीं पर, एक योजन 3-4 किलोमीटर दूर, वहां से पैदल चले, रथ पीछे पीछे खाली आ रहा है। क्या देखा कि उधर से उस सुदर्शन जी ने सोचा, सुदर्शन जी ने, कि इनकी यज्ञ तो पूर्ण हो को ना, क्योंकि सुदर्शन जी ने चर्चा की फिर अपने गुरुदेव से, करुणामय जी से, कबीर जी से, कहा गुरुजी ऐसे ऐसे आया था एक भीम युधिष्ठिर का भाई, अरुण ने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया। परमात्मा बोले ठीक करा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। परमात्मा कबीर जी ने कह दिया था, भाई इनकी यज्ञ पूर्ण ना हो अपने बिना, अपने बिना ना हो बेटा, इन्हें खाण दे दके। सुदर्शन जी ने सोचा ये फिर आवेंगे, गुरु जी कह रहे हैं यज्ञ तो पूर्ण हो को ना, अरे ये तने फिर दुखी करेंगे, वो पाप का भागी बनेगा, उनका भोजन खाना पड़ेगा। अब सुदर्शन जी तो करके ऐसे विचार निकल गया सैर सपट्टे को, महीने 20 दिन की यात्रा पर। उधर से परमेश्वर कबीर जी करुणा में सुदर्शन रूप धारण करके अपने शिष्य का, और सुदर्शन वाली झोपड़ी में विराजमान हो गई। अपने आत्माओं ऑटोमेटिकली होता है यो, समर्थ शक्ति सामने बैठी श्री कृष्ण जी तो तीन लोक के भगवान, वो असंग ब्रह्मांडों का स्वामी। श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया, साथ में पांचों पांडवों ने और पहलवान भीम ने भी कराया जो श्री कृष्ण जी ने कर दिया था। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु ये भगवान, इन पांडवों ने एक यज्ञ किया है, आप कृपया उसमें पदार्पण कीजिए, आपकी इंतजार है, आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरा वो काम पूरा करो। क्या कहा था कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं वहां चलूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान।
क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने चारों युगों में ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी। इसको ना समझकर रिजेक्ट कर दिया, वेदों को ही हम सिरोधार्य मानते रहे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आप जी की वाणी है कि संत मिलन को उचा लिए तज माया अभिमान, पुनात्मा आप यहाँ सत्संग में आते हो चाहे कोई अधिकारी है और चाहे बड़ा सेठ पैसे वाला धनी है, चाहे ऊंच जाति से है चाहे निम्न जाति से है, परमात्मा के दरबार में जाति किसी भी भाजन से नहीं कर्म से होती है। तो यहाँ पुण्यात्मा चाहे कोई भी है वही आता है और वो अपने अभिमान को यहाँ साथ नहीं डावे, नहीं तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ तो ऐसा होकर आवे जैसे किसी को कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना बड़ा सेठ हो और यहाँ के लोकल हॉस्पिटलों में जवाब मिल जाए कि आप ऑल इंडिया में जाओ, तो उसकी आल यहाँ इशार से चल रहे ना लेकर उसको एम्बुलेंस में घिघी बन जाती है, अरे भगवान ऐसी के बीमारी होगी। और वहाँ जब वो जाता है तो वो भूल जाता मैं अधिकारी हूँ या मैं सेठ हूँ, उसको अपनी जान दिखाई देती है। तो वहाँ वो कति उसका अभिमान नहीं होता, जहाँ डॉक्टर कहते हैं लेट जा लेट जाता है, कपड़े उतार दे उतार देता है और जाओ वहाँ टेस्ट करा कर वहाँ उसी टाइम चल पड़ता है। तो अपने आत्माओं आप जब यहाँ आओ अति अधीन हो गए, एक भयंकर रोग से ग्रस्त हो आप और यहाँ बिना वो कट्टे को नहीं डॉक्टर उसका दवाई ठीक मिल रहा को नहीं, तो यहाँ किसी प्रकार की भी कोई आप में अकड़ ना हो, तब आपको वहाँ से घर से चलने का यहाँ तक जितने कदम रखते हो एक कदम का फल एक यज्ञ के तुल्य होता है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भगवान आपकी वाणी है हम आपके, अब देखो ये पांचों पांडव हैं इनकी तो छक्के बेइज्जती होगी क्योंकि वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही, अब इनके लिए तो धरती छोटी सी हो चुकी है, इन अभिमान कति नहीं, युग युग खड़ा पहलवान देख लो अब वो हाथ जोड़े खड़े नु। और परमात्मा कहते हैं कि ये द्वारकाधीश आप मेरे अंदर झांक कर देख लो प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, हमारे अंदर कोई आज इन पांचों में और मुझ में कोई अभिमान नहीं है किसी वस्तु का, और जितने भी कदम वहां से यहां तक हुए हैं आपकी वाणी अनुसार इतने यज्ञ हो गए, इनमें से आप 100 रख लो बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, मालिक ने देखना था ये योग्य हो गए कि नहीं, थोड़े बहुत दिन ये अकड़े ठीक हो, अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति मार्ग में, वहाँ खड़े वो पांचों पांडव उनकी घिघी बंध रही थी, जब नट गया तो नाश हो जाएगा, तो नुकति करबद्ध खड़े पांचों के पांचों। तो परमात्मा बोले चलो, अब पहले जब ये भीम गया था ना पहले नौता जन तो बकवाद गणी करे था अपना अंगा दिखाओ था, सुदर्शन जी से कह रहा था कि तू के बोल रहा है बाबा जी कि युद्ध के न्यो जीत्या जा है, एक का मारू था गदा छह पड़े थे न्यो जीत्या था हमने युद्ध, वो स्नान करके आया था संत से मिलने से पहले एक तालाब में, कबीर परमेश्वर ने बताया फिर सुदर्शन रूप में कि पहलवान जब तू आया था और स्नान करके आया था ना एक तालाब में कहाँ जी, और तू क्या कह रहा था मैं एक का मारू था गदार 20 मरे थे, इतना ताकतवर हूँ मैं तेरे जैसे, तो करा कितने को गए जा लिए, अब जिस तालाब में तू स्नान करके आया है उसमें तेरे पैर भी नहीं टिके इतना जल है कहाँ जी, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है सिर का ये ऊपर का हिस्सा इतना का, तेरे केस्तों तो उसका आगे कुछ भी को नहीं के पहलवान पाक रहा है तेरे कैसे बड़े बड़े होकर जा लिए। कहते मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर और कंस के सी चाणूर से वो हरणा कुश बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीब दास हरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। वो कहने लगा सचमुच महाराज जी वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी नहीं जा देखा फिर जाके, वो देखा हुई इतना मोटे वो द्वार उसकी चौकर देखी वो खोपड़ा न्योगा न्यो पड़ा अरे तरा गजब हो। तो इंसान ये जीव जीव ही होता है, अभिमान इसको स्वाभाविक हो जाता है थोड़ा।